नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सोनवाल, कक्षा चतुर्थ, विषय हिंदी, पाठ 15, रक्त और शरीर। भैया बहनों, इस पाठ को मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं वर्क करा रहा हूँ आपको, इसमें लिखित कार्य है। जैसा कि आप इस पुस्तक में देख रहे हैं, आप अपनी पुस्तक में भी इसको इसी प्रकार से करेंगे और इसको याद भी करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, लीजिए पाठ 15, रक्त और शरीर। इसी के लिखित कार्य में ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। इसमें लिखा है ब्लड ग्रुप, साबुन, कण, रक्तदान, स्लाइड। ठीक है, ब्लड ग्रुप, साबुन, कण, रक्तदान और स्लाइड। तो इन शब्दों से ये रिक्त स्थान आपको भरने हैं। ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, तो यहाँ पर आएगा कण, ये कण आएगा यहाँ पर, कण, कण। ठीक, रक्त चढ़ाने से पहले का मिलान किया जाता है, किसका मिलान किया जाता है, ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर आएगा ब्लड ग्रुप का। ठीक है, ब्लड ग्रुप का हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए, रक्तदान, रक्त दान, यानी खून का दान। नर्स ने एक पर रक्त कण दिखलाए, ठीक है, नर्स ने एक स्लाइड, क्या कहा यहाँ पे, स्लाइड, स्लाइड पर रक्त कण दिखलाए। भोजन करने से पूर्व, भोजन करने से पूर्व साबुन से, क्या आएगा यहाँ पे, साबुन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये विकल्प वाले प्रश्न हैं, का रक्त कणों का जीवन कितना होता है, रक्त कणों का जीवन कितना होता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो यहाँ पर होगा यानी 4 महीने होता है। ठीक है, शरीर के वीर सिपाही किन्हें कहा जाता है, शरीर के वीर सिपाही किन्हें कहा गया है, सफ़ेद रक्त कणों को, लाल रक्त कणों को और प्लाज्मा को। तो यहाँ पर आएगा सफ़ेद रक्त कणों को। ठीक है, इस तरह से आप जो इसमें सही का निशान लगाएंगे। ज्योति को क्या रोग बताया गया, ज्योति को क्या रोग बताया गया, एनीमा, अमीबा, अनीमिया, तो एनीमिया का रोग बताया गया। ठीक है, अगला देखेंगे पेज, अगला पेज देखेंगे, इसमें
एक और है इसमें, मोड़ देते हैं कॉपी को। अब आप देखेंगे इसमें कितनी उम्र का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। 16 वर्ष का, 18 वर्ष का, 20 वर्ष का, यानी तो रक्तदान की जो आयु होती है अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो वह 18 वर्ष से अधिक वाला जो है वो रक्तदान कर सकता है। अगला है रक्त को एकत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। रक्त को एकत्रित करने के लिए बनाए गए हैं क्या? डाकघर, ब्लड बैंक, दोनों। तो ब्लड बैंक, एक ब्लड बैंक होता है वो बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए नीचे ये निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाना है। जैसे ये का, ये दो अलग अलग शब्द हैं, एक शब्द है परम और एक शब्द है अणु, तो इनको मिला करके एक शब्द बनाएंगे अब, ठीक है। तो परम धन अणु, तो ये हो जाएगा परमाणु, ये हो जाएगा परमाणु, क्या हो जाएगा परमाणु, ठीक है। शुभ धन आलय, तो यहाँ पे शिव अलग है और आलय अलग है, तो इसको हम जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा शी बा ल य शिवालय। इनको मिलाने का मतलब ये नहीं कि इनको जो है एक साथ मिला देंगे, तो इसमें आप देखेंगे अंतर, आप देखेंगे इसमें भी अंतर देख रहे होंगे। यहाँ देखिए माँ परी आ का डंडा आ गया, आगे मात्रा अ हट गया है परमाणु। यहाँ भी जो है व पर या की मात्रा लग गई है और आ हमने हटा दिया है, ठीक। ये जो आ गया वो यहाँ मिल गया है, ये अ जो है यहाँ आ गया है, ठीक है। तो सिंह धन आसन, सिंह धन आसन, तो ये क्या हो गया, एक तो सिंह हो गया और ये आसन हो गया, तो यहाँ पर हम जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा सिंहासन, सिंहासन, क्या हो जाएगा सिंहासन, ठीक है। अब यहाँ पर हिम धन आलय, ये हो जाएगा हिमालय, हिमालय, हिमालय। रोग धन अणु, तो ये हो जाएगा रोगाणु, रोगाणु, क्या हो जाएगा ये रोगाणु, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है दोबारा आप देखेंगे परम धन अणु वो परमाणु, शिव धन आलय शिवालय, सिंह धन आसन सिंहासन, हिम धन आलय हिमालय, रोग धन अणु रोगाणु, ठीक है, समझ में आया ना। इसी प्रकार से आप देखिए ये प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्न उत्तर को मैं मौखिक में यहाँ पर समझा रहा हूँ, उसके बाद में इनका जो है लिखित आपकी कॉपी में व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। तो कॉपी में लिखवा दूँगा ऑनलाइन में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अनीमिया क्या होता है, अनीमिया
एमीनिया अनीमिया एक प्रकार का रोग है, ठीक है, बीमारी है जिसमें खून की कमी के कारण काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है हमको, तो उसको एनीमिया का रोग कहते हैं। ये खून की कमी के कारण ही अक्सर होता है। एनीमिया के लक्षण क्या क्या हैं? तो यहाँ पर एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? शरीर में खून की कमी के कारण, खून की कमी, ठीक है, पौष्टिक आहार की कमी क्या, हमें इसमें कमज़ोरी महसूस होती है, ठीक। अब कमज़ोरी इसलिए महसूस होती है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, खून नहीं बन पाता है, ठीक है, इसलिए। और हमारे आँखों के सामने अंधेरापन, यानी खून के कम कारण, कमज़ोरी के कारण ये सब कुछ होता है, ठीक है। और इसीलिए ये जो है, इसके कारण जो है, मुख्य कारण यही होता है कि कमज़ोरी, इसमें काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है, भूख नहीं लगती है। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? अगला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? पेट में जो कीड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जो है गंदा पानी, दूषित पानी का प्रयोग करते हैं, दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, ठीक है, साफ सफाई नहीं रखते हैं, गंदी जगहों पर शौच जाते हैं, इस कारण से ये कीड़े हमारे पेट में हो जाते हैं, ठीक है। पेट के कीड़े क्या परेशानी पैदा करते हैं? ठीक है, तो पेट में जब कीड़े होते हैं, एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है, भूख नहीं लगना, पहले ऊपर ही बताया था मैंने, हैं, यानी कमज़ोरी होना, ठीक है, उल्टी का होना, ठीक, चक्कर आना, तो ये बहुत सारी, भूख का ना लगना, ठीक है, बहुत सारी हरकतें हमें होने लगती हैं। हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? हमें साफ, स्वच्छ तथा पौष्टिक भोजन करना चाहिए, शुद्ध पानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और साफ सुथरी जगह पर मैं शौच करना चाहिए, ठीक है। ये अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें इस प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है भैया बहनों। अगला आप देखेंगे नीचे, इनको भी आप करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। डॉक्टर, इस पे एक वाक्य बनाना है आपको, सरल से सरल वाक्य बना देना, जो कि हम आप जो हैं आसानी से उसको लिख सकते हैं। एक वाक्य बनाने से, एक शब्द है ये, इससे हम जो है, जब डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर हमारा इलाज करता है, या डॉक्टर रोग का इलाज करता है, ठीक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सीसी, मेरे पास एक दवा की सीसी है, ठीक। अगला कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से भी। रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट अच्छी आई है, ठीक, मेरी रिपोर्ट अच्छी है, या मेरी रिपोर्ट अच्छी आई है। विटामिन, हमें विटामिन युक्त तो भोजन करना चाहिए, हमें विटामिन युक्त तो भोजन करना चाहिए। फलों से हमें अनेक प्रकार के विटामिन मिलते हैं, साग सब्जी से हमें अनेक प्रकार के विटामिन मिलते हैं, ऐसे नहीं। भोजन, हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, या हमें शुद्ध स्वच्छ भोजन करना चाहिए, ठीक है।
समझ गए होंगे, आपको ये पार्ट समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप अपने पुस्तक में भी कर लेंगे जो कर सकते हैं। ये प्रश्न उत्तर हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। आप आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।